सेटल खराब हो गई है। बाप का ही माल है जो आप लोग उड़ा रहे हैं। जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। कौन सी बीवी मुझे सब समझ आ रहा है। तुम लोग मेरी मां मैं चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं मुझे माफ कर दो। और तकलीफ पहुंचाई है शादी की है तुम्हारे साथ। कौन सी साजिश थी उनकी? मेरी गलती है लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रही पत्नी किया था? कितना गिड़गिड़ाई पर इसने मेरी। तेरे जाने के बाद ड्रामे में अब अलीजे उमेर को पसंद करने लगी है और उमेर भी अलीजे में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन जब अलीजे को इस बात का पता चलेगा कि शादी से पहले उमेर सज्जल भाभी में इंटरेस्ट ले रहा था तो वो भी उसके खिलाफ हो जाएगी। अपने भाई के कानों में सज्जल के खिलाफ काफ़ी बातें करेगी और वो तो पहले ही घर वाले चाहते हैं कि अशर और सज्जल अलग हो जाएं। सालिया बेगम भी सज्जल के किरदार पर बहुत से इल्ज़ाम लगाएगी जिसकी वजह से सज्जल को घर से निकाल दिया जाएगा और अशर भी सज्जल पर बदगुमानी से शक करेगा। लेकिन फरीन को तब तक अकल आ चुकी होगी, तब फरीन ही होगी जो सब कुछ बताएगी अशर को किस तरह से माँ के साथ मिलकर उसने साजिशें की, किस तरह से सज्जल के किरदार पर धब्बे लगाए, दाग लगाए, उसको बद किरदार साबित किया सिर्फ इसलिए ताकि उसकी ज़िंदगी से निकल जाए और उसके पैसे पर ऐश कर सके। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? किसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है और कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहता है? कमेंट करके अपनी कीमती राय से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे।